दिल्ली में मंकी पॉक्स के साथ साथ कोरोना का डबल कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 31 साल की एक नाइजीरियाई महिला मंकी पॉक्स से संक्रमित पाई गई है। साथ ही दिल्ली में मंकी पॉक्स के अब 4 मरीज हो गए हैं, जबकि पूरे देश में मंकी पॉक्स के 9 मरीज हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में कल 4 महीने बाद एक दिन में 2000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 2073 नए मरीज मिले, जबकि 5 मरीजों की जान गई है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 11.64% हो गया है, जो बेहद चिंताजनक है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 5,637 है। इससे पहले 4 फरवरी को दिल्ली में 2,272 नए मरीज मिले थे, उस दिन 20 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी गई थी। तो वहीं दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के 1,506 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी। सोमवार को ये संख्या 822 थी, यानी कि हर बीतते दिन के साथ मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले 3 दिन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आपको हम दिखाते हैं, इसी से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि दिल्ली में कितनी तेजी से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ी है। तो ये तस्वीरें और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। 1 अगस्त को 822 मरीज थे, फिर 2 अगस्त को संख्या बढ़कर 1506 हुई और 3 अगस्त को इसमें इजाफा दर्ज किया गया, और जो एक दिन में मरीजों की संख्या सामने आई संक्रमित, वो 2073 थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।